अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नवीद क्रिकेट शो। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के चार प्लेयर मोहम्मद आमर, आसफ अली, फखर जमान और हसन अली PSL 8 में किस टीम की तरफ से खेलते दिखाई देंगे, इस पर बात करेंगे। वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। जी दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए आसफ अली की। आसफ अली PSL 8 में इस्लामाबाद की तरफ से खेलते दिखाई देंगे। उसकी परफार्मेंस बहुत ही वीक है। T20 कप देखा हमने, एशिया कप देखा है, तो T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, ट्राई सीरीज, इंग्लैंड के साथ सीरीज, 7 मैचों की देखी है। उसकी परफार्मेंस बहुत ही वीक है, लेकिन फिर भी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते दिखाई देंगे। एक T20 प्लेयर है, किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। उसके बाद बात की जाए फखर जमान की। फखर जमान मुकम्मल अनफिट थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में उसे शामिल किया जाए, लेकिन अभी वो प्रॉपर फिट नहीं हुआ। लेकिन सुनने में आ रहा है कि PSL तक वो प्रॉपर फिट हो जाएंगे और PSL 8 में लाहौर की तरफ से खेलते दिखाई देंगे। उसके बाद बात की जाए हसन अली पे। हसन अली काफ़ी अर्से से क्रिकेट से दूर है, T20 वर्ल्ड कप में उसे शामिल नहीं किया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो इस दफ़ा खेलते दिखाई देंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। अब मोहम्मद आमर पे बात की जाए। मोहम्मद आमर PSL 8 में कराची की तरफ से खेलेंगे। मोहम्मद आमर इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन मोहम्मद आमर के पास भरपूर मौका है कि वो अपनी परफार्मेंस दिखाएं कराची की तरफ से, ताकि वो वापस इस्तीफ़ा क्रिकेट से लें और पाकिस्तानी टीम में आएँ। ये थे आज की हमारी वीडियो चार प्लेयरों पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। आपका अपना भाई नवीद मलिक।